हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेरोटेक एस इंजेक्शन के बारे में कि फेरोटेक इंजेक्शन क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसका मार्केट प्राइस क्या है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फेरोटेक एस इंजेक्शन के, यानी कि कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन सुक्रोज होता है। अब बात करते हैं कि आयरन सुक्रोज की जो मात्रा कितनी होती है, यानी जो एलिमेंटल आयरन होता है वो 20 मिलीग्राम होता है। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की, कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जिन पुरुषों में या महिलाओं में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आयरन की कमी से क्या होता है कि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हाथ पैरों में ऐठन होती है, रात को बहुत ज़्यादा हाथ पैर बहुत ज़्यादा ऐठने लगते हैं और चलते वक्त क्या होता है कि पेशेंट की सांस वगैरह फूल जाती है, थोड़ा सा मेहनत का काम नहीं कर सकते, बॉडी में एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी होती है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग, इसको एडवाइस करते हैं, आयरन के इंजेक्शन को एडवाइस करते हैं कि अगर आपका एचबी बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि अगर आपका जो हीमोग्लोबिन चेक कराया गया लैब से और वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग, या तो आपके लिए खान पान के लिए एडवाइस करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा खाएँ, आयरन वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे आयरन की पूर्ति हो आपकी बॉडी में, और अन्यथा अगर आयरन की पूर्ति आपके खान पान से नहीं होती है तो फिर दूसरा ऑप्शन रह जाता है आपका फेरोटेक एस इंजेक्शन के बारे में, कि इंजेक्शन के द्वारा आपको आयरन की पूर्ति की जाती है। सबसे ज़्यादा जो आयरन की कमी होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेट में जो बेबी पल रहा होता है उसको भी आयरन की ज़रूरत होती है, वो तो आयरन अपनी माँ से पूरा कर लेता है, लेकिन माँ के जो आयरन पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, या तो आप लेडीज़ जो होती हैं प्रेग्नेंट, उसको खान पान में ध्यान रखना चाहिए, और बाई चांस खान पान में ध्यान नहीं हो पाता है जिसकी वजह से क्या होता है आयरन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि एच बी बहुत लेवल कम होता चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, डॉक्टर्स जो या नर्स होती हैं वो इस चीज़ को एडवाइस देती हैं कि आपको आयरन का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, कभी भी आयरन का इंजेक्शन आप घर पर यूज़ ना करें। ये इंजेक्शन डॉक्टर्स की और नर्स की देखरेख में लगाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड इंजेक्शन होता है, इसको ऐसा नहीं है कि आप घर पर मतलब लगाना स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो कभी भी आप भूल कर भी ऐसा ना करें, इस इंजेक्शन को कहीं घर पर यूज़ करें दोस्तों। ये इंजेक्शन कभी भी लगाया जाता है, डॉक्टर की देखरेख में लगता है और यानी कि हॉस्पिटलाइज में जो पेशेंट होते हैं उसको किया जाता है, कि काफ़ी देखरेख में किया जाता है, कि मॉनिटरिंग करके आती है कि ब्लड प्रेशर तो ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। इन सारी समस्याएँ अगर आपकी प्रॉपर तरीके से ठीक होती हैं तब इसको रिक्वायरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो मार्केट प्राइस है, दोस्तों एक एम्पुल का जो इसमें जो लिक्विड होता है वो 5 ml में होता है, और इसका जो मार्केट प्राइस होता है 285 रुपये है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लगाने का तरीका, तो दोस्तों कभी भी इसकी डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं किया जाता है, कभी भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है तो ये देखिए NS की 500 ml की NS होती है, इसमें मिक्स करके इसको अगर आप यूज़ करेंगे यानी कि लगवाते हैं तो ये बहुत बेटर रहेगा, डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, कभी भी आप आयरन का इंजेक्शन हुआ उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, किसी NS में मिक्स करके इसको लगाया जाता है। लेकिन और लगाने का तरीका क्या होता है, इसको बहुत स्लोली स्लोली इसको पेशेंट को चढ़ाया जाता है, यानी कि कम से कम ये 5 ml की जो NS होती है कम से कम 3 से 4 घंटे में इसको पूरा करना चाहिए, जितना आप स्लो चढ़ाएंगे उतना ही पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट कितने दिन लगाना चाहिए, तो दोस्तों ये 5 से 7 दिन NS में लगा देना चाहिए, एक एक एम्पुल आपको लगा देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस से आप इसको यूज़ ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट, के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके कॉमनली जो साइड इफेक्ट होते हैं, इनकी नूसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। कभी भी अगर इस टाइप की कोई समस्या आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।